का मतलब क्या है? पूरी पाली भाषा में, पूरे पाली साहित्य में बौद्ध शब्द नहीं है, क्योंकि दो मात्रा जो ऊपर होती है बैर में या पैर में, ए के अंदर जो एनक होती है वो पाली भाषा के अंदर है ही नहीं। यानी पाली में कोई भी जो शब्द है या वर्ड है वो ऐसा नहीं है जिसके ऊपर दो मात्राएं हों, औरत या वैर, ऐसा नहीं है। एक मात्रा के सारे सारे शब्द हैं। अगर किसी लिपि के अंदर दो मात्राएं हैं तो वो पाली की लिपि नहीं है, यानी कि वो जो धम्म की लिपि है वो नहीं है। तो फिर बौद्ध जो शब्द है, जो बौद्ध है उसके अंदर तो दो मात्राएं हैं, तो दो मात्राएं हैं तो फिर ये एक शब्द कैसे आया? दरअसल ये जो बौद्ध शब्द है ये बोध का संस्कृत शब्द है, यानी कि जिसको जानकारी हो गई, बोध हो गया, उसको बौद्ध बोलते हैं। संस्कारित भाषा में, मॉडिफाइड में, बाद में बौद्ध का, बोध का बौद्ध किया गया है। यानी जब कहते ना आपको इस बात का बोध हुआ या नहीं, अगर आपको इस बात का बोध हो गया तो इसको संस्कृत भाषा में कह सकते हैं आपको इस बात का बौद्ध हुआ या नहीं। तो बोध से बौद्ध बनाया गया है। और ये चूंकि बहुत सारे लोग बौद्ध लगाते हैं तो वो बोधी भी लगा सकते हैं, बोध भी लगा सकते हैं, बोधी कर भी लगा सकते हैं, बोधी बंतु लगा सकते हैं, बोधी मंतु लगा सकते हैं, धी मंतु लगा सकते हैं, धी मान लगा सकते हैं। ये उसके अंदर सारे के सारे चलते हैं, उसके पर्यायवाची शब्द हैं। धन्यवाद। Musa Radha Gurmani Sikha Padhing Smart